गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, चलें यूज ऑफ आर्टिकल का चैप्टर तो क्लोज हो गया, परंतु आर्टिकल का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि आर्टिकल के अंतर्गत एक खास बात होती है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। हिंदी है उपपदों का त्याग, आवलिक लोग। आर्टिकल का अर्थ क्या होता है? उपपद होता है। तो आर्टिकल का ओमिशन अथवा त्याग, मतलब त्याग, ठीक ना, कहाँ होता है, कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस यूनिट के अंतर्गत आप यही पढ़ेंगे, जिसमें देखें रूल नंबर वन। ठीक, रूल नंबर वन क्या कहता है? इस यूनिट के अंतर्गत खास मैटर में आपको उपलब्ध कराऊंगा, जो विभिन्न किताबों में मिलेंगे, किसी एक किताब में तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता है, यह मेरे द्वारा किया गया कलेक्शन है। तो आप देखें इस शेडेड पोर्शन में मैंने क्या लिखा है, आर्टिकल ए आवलिक एन का प्रयोग केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन एंड सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। तो आर्टिकल के चैप्टर में शुरू की जो वीडियो है, मैं बता चुका हूँ कि नाउन दो प्रकार के होंगे, एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत क्या आते हैं? काउंटेबल कॉमन नाउन्स आते हैं और कलेक्टिव नाउन्स आते हैं। तो उनमें से हम सिंगुलर ले रहे हैं, क्योंकि कॉमन काउंट, देखिए क्या है, काउंटेबल कॉमन नाउन सिंगुलर प्लूरल होता है और काउंटेबल कलेक्टिव नाउन, ठीक ना, इसलिए मैं काउंटेबल सब जोड़ रहा हूँ कि ये काउंटेबल नाउन होते हैं, ये भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं। तो इनमें से सिंगुलर यानी सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन और सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग जीआर में अर्थात जेनेरिक रिफरेंस में होता है। अब रिफरेंस के लिए आपको क्या है, आर्टिकल का पार्ट नंबर 8 पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना, आर्टिकल पार्ट 8 में जाना पड़ेगा आपको। वैसे तो मैं लिंक लगा दूंगा, ठीक ना, एसआर में नहीं होता है यानी स्पेसिफिक रिफरेंस में नहीं होता है, और मुख्यतः सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन के पूर्व होता है, ठीक ना, किंतु कभी कभी सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के पूर्व भी होता है। आर्टिकल ए आवलिक एन का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन अर्थात प्लूरल काउंटेबल कॉमन नाउन और प्लूरल कलेक्टिव नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट यहाँ दिया गया है, प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसके लिए तो भैया आपको नाउन की भी वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक ना, उसका भी मैं लिंक लगा दूंगा, प्रॉपर नाउन का, ठीक ना, और जितनी भी वीडियो मैंने बना रखा है, 45 वीडियोस बन चुकी हैं नाउन पर, ठीक ना, तो जो इसमें प्रयुक्त होगा, काम की चीज़ होगी, उसका लिंक मैं लगा दूंगा, पढ़ लीजिएगा, ओके। के पूर्व नहीं होता है, किंतु अनकाउंटेबल नाउन से बने वाक्यांश में आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। तो खास बात क्या जाने, ए एन का जो प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन के पूर्व होता है, और सामान्यतः सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन के पूर्व होता है, कभी कभी सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के पूर्व भी होता है, किंतु अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व नहीं होता है। अब अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत प्रॉपर नाउन आता है, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन आता है, मटेरियल नाउन आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, किंतु कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं, अब इन फ्रेजेस की लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, आपको रटना पड़ेगा, नीचे वाली लाइन पर ध्यान दें, क्या किंतु इस पर आप फोकस करिएगा, कहाँ से, यहाँ से, किंतु अनकाउंटेबल नाउन से बने फ्रेजेस में आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। समान रूल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व नहीं होता है। तो इन
फ्रेजेस को आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए अ पीस ऑफ न्यूज़ है, एन आइटम ऑफ न्यूज़ है, ठीक है। ये पूरी लिस्ट आपको मैं उपलब्ध करा दे रहा हूँ, इसे आप याद कर जाइए, ठीक। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों दे दिया हूँ, इसे मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनका प्रयोग कहाँ होगा? सेंटेंस के अंतर्गत होता है। मान लीजिए सेंटेंस के अंतर्गत कहीं प्रयुक्त हों और वहाँ पर स्पॉटिंग बना दिया, तब तो ये भैया रटने वाली चीज़ है ना, याद रहेगा तो आप आंसर निकाल लेंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। अब यहाँ नोट एक लिखा है, देखिए कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत फ्रेजल कलेक्टिव नाउन भी होता है, ठीक ना। तो फ्रेजल कलेक्टिव नाउन समान रूप से ए आब्लिक एन से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ मैंने लिख दिया है कि फ्रेजल कलेक्टिव नाउन में भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग जीआर में यानी जनरल यूज में होता है। जेनेरिक रिफरेंस का मतलब क्या होता है? समान रूप से प्रयुक्त होता है, किंतु एसआर में स्पेसिफिक रिफरेंस में आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जब उसी फ्रेजल कलेक्टिव नाउन का हम प्रयोग पार्टिकुलर रूप से करेंगे, अर्थात उस फ्रेजल कलेक्टिव नाउन को हम पार्टिकुलराइज कर देंगे, तो उसके पूर्व द का प्रयोग होता है। तो किसी वीडियो में मैं बनाया हूँ छोटी सी वीडियो, एक नेम यूज ऑफ आर्टिकल बिफोर फ्रेजर कलेक्टिव नाउन कंटेस्ट के आधार पर, अब ठीक है सर्च करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि लिंक लगा दूँ। और फ्रेजर कलेक्टिव नाउन पर वीडियो मैं नहीं बनाया हूँ, मेरे पास मैटर है, ठीक ना। तो इसी तरह से फ्रेजर कलेक्टिव नाउन का मैटर मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा सिस्टम के माध्यम से, एक वीडियो उस पर भी बना दूँगा। अब यहाँ देखिए रिमार्क में क्या लिखा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व, ध्यान दीजिएगा। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व क्या क्या आता है, अभी ऊपर में दिया था, सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन आता है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन आता है, में आर्टिकल ए एन अथवा क्या है द का प्रयोग हो सकता है, किंतु ए एन के प्रयोग को वरीयता दी जाती है और इसी से यह पहचाना जाता है। इसी तरह से एस आर में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व आर्टिकल ए एन, ठीक ना, अथवा द का प्रयोग हो सकता है, किंतु एस आर में हम आर्टिकल द के प्रयोग को क्या करते हैं, वरीयता देते हैं। ध्यान रहे एस आर में प्रयुक्त किसी भी नाउन के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रसंग के आधार पर, कंटेस्ट के आधार पर, जो अभी अभी क्या है लास्ट वीडियो हमारी आपके आपको मिल गई होगी, ठीक ना, वो किसके आधार पर थी, कंटेस्ट के आधार पर थी। आर्टिकल द का प्रयोग करते समय क्या करना है, आपको जी आर एस आर का ध्यान देना है। तो ये आपके लिए रिमार्क करने वाली चीज़ है, ध्यान देने वाली चीज़ है। तो इस तरह से क्या करेंगे आप, हम फिर से इसको रिवर्स कर देते हैं एक बार वीडियो को, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, इसे टैप करके मैटर को ले लेंगे। चलिए थोड़ा स्लोली स्लोली कर देता हूँ, मैटर आप छाप लीजिएगा। किसी नोटबुक में इसे आप नोट कर लीजिएगा, ओके। ये देखिए यहाँ तक ये मिशन का क्या था, रूल नंबर वन था, लेकिन जो पार्ट में दे रहा हूँ अलग से दे रहा हूँ। 44 पर
का एंड हुआ है, यूज ऑफ आर्टिकल यहाँ से 45 ताकि वीडियो की काउंटिंग हो सके। अपनी सुविधा के लिए मैंने इसे बनाया है, आप भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अर्थात 45 से वीडियो नंबर 45 से यानी पार्ट नंबर 45 से आपका एडमिशन स्टार्ट होता है। तो आज के क्लास में यहीं तक। थैंक यू सो मच।